So today's topic is gravitation. In this chapter, chapter 8, gravitation, we will study about a new force, not the new force, the most basic force in this universe, gravitation. The most basic force, जो पहले force के बारे में हमको पढ़ना था, we should have studied about this force before, but नहीं, इसको हमने बाद में पढ़ा क्योंकि इससे related बहुत सारे forces के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, जैसे weight, इसी से related था, weight भी इसी से related था. ठीक, तो ग्रेविटेशन के बारे में जानना चालू करते हैं. ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ी सी फिलोसॉफी आती है, इसीलिए आज हम लोग छोटा सा टॉपिक ही कवर करेंगे. फिलोसॉफी या फिर हिस्ट्री बनती है. सर आइज़ैक न्यूटन, ही वाज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट आल्सो. व्हाट ही डिड, ही वाज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. ही वाज सच अ गुड ऑब्जर्वर दैट वन डे ही वाज सिटिंग in a place and he saw an apple falling from the tree. Usne dekha ki ek seb gira zameen pe aur he started to think. See, everybody must have seen that. Bahut sari cheezon ko girte hue sab logon ne dekha hoga, but he started to think, why did it fell? Usne pehle se concept bana ke rakha tha, nothing moves without any force exerted on it. So what he did, he started to make some theory related to it, and he came up to a theory that there is something called gravitation. Yes, because of gravity he started to think, and he came to a conclusion that there is something called gravitation. Aur us gravitation ke karan hi koi do objects ek dusre par force lagate. Iska matlab earth apple pe force laga raha hai aur apple earth pe force laga raha hai, magar move kaun hua? एप्पल मूव हुआ. उसने इसको ये बोला कि एप्पल इज हैविंग लेस मास, इनर्शिया उसका कम होगा, इसके कारण वो मूव हो गया. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, फोर्स इज बीइंग एक्टेड बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर सेट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. मान लो पहला मास है m1, दूसरा मास है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, मान लो r है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया हूं. सेंटर ही क्यों लिया, कोई बताएगा? कैन समबडी टेल व्हाई आई हैव टेकन सेंटर ओनली? अभी अभी पढ़ के बैठ गए हम लोग, अभी अभी पढ़ के बैठ गए, सेंटर की क्यों बात कर रहे हैं? कौन सा सेंटर है ये? सेंटर ऑफ मास, वेरी गुड, सेंटर ऑफ मास, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सेंटर. ओके, तो ये दोनों सेंटर्स, इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r हो गया. और अब उसने क्या बोला, ये दोनों ऑब्जेक्ट जिसमें कोई भी मास है, देखो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, इवन अ स्मॉल एटम इज हैविंग मास. ओके, सो m1 m2 ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, और ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग देम. दोनों मासेस के सेंटर को जोड़ दूं तो उस लाइन जॉइनिंग के बीच में, उस मैंने अभी कुछ नई बात नहीं बोली, अभी वही बात थोड़ी चालू हो रहा है. दो मासेस हैं, ग्रेविटेशन के बारे में आइज़ैक न्यूटन ने बताया, दो मासेस हैं, उन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसको उसने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स. उस फोर्स की वैल्यू के बारे में उसने क्या बताया, ये हो गया एफ, ये मास मास वन है, तो मास वन पे जो फोर्स लग रहा है एफ, किसके कारण लग रहा है? टू के कारण, इसलिए एफ वन टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. और ये वाला फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. ठीक है, फोर्स ऑन वन, इस देखो मास वन पे लग रहा है ना फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसके कारण ये लगा रहा है फोर्स वो, ठीक है, इस पे लग रहा है, और इस पे लग रहा है, सेकेंड मास पे लग रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. ये वाला नया चीज पढ़ रहे हैं ना, हमने नाइन्थ में भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन को, बट नाउ वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म. ठीक, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. यस सर, चलो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. तो ग्रेविटेशनल लॉ में बोला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में बोलता है आइज़ैक न्यूटन कि ये जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ इट, यानी कि इन दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 into m2, ये बात बोला. यानी कि कैसे हुआ होगा ये बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा दोनों के बीच का फोर्स होगा, जितना कम मास होगा इन दोनों का प्रोडक्ट के हिसाब से
उतना कम फोर्स होगा। देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। देन आफ्टर दैट एक और बात बोला कि एफ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फिर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। हाँ फिर से बताऊंगा, देखो ना बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखो क्या बोला ग्रेविटेशनल लॉ में फिजिक्स, एक महान फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने क्या देखा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट मास है उसमें, अगर मास है तो वो एक प्रकार का फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स जो लगेगा वो एक कैसा फोर्स होगा जो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। जितना ज्यादा उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना तगड़ा फोर्स होगा, और जितना ज्यादा उन लोग पास होंगे उतना तगड़ा फोर्स होगा। देखो कम डिस्टेंस ज्यादा फोर्स, कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट्स व्हाई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, या बोल सकते हो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बात बनेगी, ठीक है। अब देखो एक बात, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में चलते हैं। हाँ एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट ना हम लोग कब करते हैं, वेन एवर वी डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वी नीड सम काइंड ऑफ सेटअप फॉर दैट। कोई सेटअप कर सकते हैं कि हम लोग दो मासेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ना। हाँ उसने इस सब सारी चीज को ना मून और अर्थ के डिस्टेंस कितनी स्पीड में घूम रहा है इससे रिलेटेड एक बात बोली थी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सोचा था। बट हियर वॉट एवर थिंग इज हैपनिंग इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। कैसे ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हैं। सर मैंने साल भर, मैं वही एग्जांपल देता हूं हर बार, रिलेशन वाली जो बात आती है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत आसान होता है। मैंने साल भर पढ़ाई की, अच्छा रिजल्ट आया, रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अच्छी सी पढ़ाई साल भर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इट। नहीं मैंने ना आखिरी समय में मेरी तबीयत खराब हो गई, तबीयत ठीक नहीं रिजल्ट भी ठीक नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा कुछ चीज की। मैंने कम 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 मस्ती की, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, इनवर्सली। सो दैट्स हाउ द रिलेशन आर बीइंग डन, इजंट इट। और उसके बेसिस में मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बेसिक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला जो बन रहा है, ये दोनों ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इन दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आगे बढ़े, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाइए तो g इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया, क्योंकि मुझे इक्वेट करने लायक कुछ फॉर्मूले में वैल्यू आनी चाहिए मेरी, ठीक है। और उसके बाद देखें कि ये जो g है ये आया है कॉन्स्टेंट। क्या है इसका नाम कॉन्स्टेंट का, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्या कॉन्स्टेंट है ये, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। ग्रेविटी के फॉर्मूले में बन रहा है ना, ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा खास बात यह है, इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ, इसका मतलब महत्व क्या है, क्योंकि यहां पर जो ये जी है ना, कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी डिपेंड नहीं करता कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज से बने हुए हैं, नहीं डिपेंड करता, कुछ भी रहे ये ऑब्जेक्ट उसमें मास पे डिपेंड करता है, और हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, ठीक है। वो चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी ज्यादा वॉल्यूम घेरे या फिर कम वॉल्यूम का हो, किस चीज से बना है डजंट मैटर। दैट्स व्हाई ये जी भी उस पर काम नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता। अदरवाइज यू मस्ट हैव सीन, जहां भी हम लोग कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते थे प्रोपोर्शनलिटी साइन में, वहां पर डिपेंड करता था कि वो चीज किससे बनी हुई है, या फिर वो उसके आसपास मीडियम क्या है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में चाहे कुछ भी मीडियम आ जाए, चाहे वैक्यूम हो, एयर हो, ईथर हो, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, व्हाटएवर थिंग्स विल कम, वाटर हो, वुड हो, माइका हो, कुछ भी हो, ये ग्रेविटेशन फोर्स सेम रहेगा। इसका मतलब, मेरे बोलने का मतलब, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स इतना ही रहेगा। दिस जी डोंट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, मतलब इस जी की वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। चलो देखो, तो देखा गया है सब देखो, देखो ये जी के वैल्यू को अकेला जी यहां छोड़ देता हूं, बाकी सारी चीज को इधर ले आता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मासेस ले लूंगा, दो मास ले लूंगा वन वन के जी के, डिस्टेंस को रख दूंगा मैं वन मीटर का। तो देखा गया है, देखो सबकी वैल्यू को वन रख देता हूं, वन मास
1 kg, 1 kg, 1 meter, ये सारी चीजें 1 1 हो गई, स्क्वायर हुआ 1 हो गया, F इज इक्वल टू जी बचेगा, F इज इक्वल टू जी बचेगा। और उस समय प्रैक्टिकली देखा गया है कि उस समय जो हमको फोर्स की वैल्यू रहती है वो होती है, ये प्रैक्टिकली देखा गया ना, एक्सपेरिमेंटली जो आप बात कर रहे थे उस समय होती है G इज इक्वल टू मिलता है 6.67 इंटू 10^-11 के बराबर। उस समय सारी चीजों को, दो मासेस को वन वन के जी के ले लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 meter रख दो, तो हमको जो दोनों का फोर्स मिलता है, दोनों के बीच में जो फोर्स मिलता है वो इतना कम मिलता है, देखो 10^-11, बहुत कम है ये, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। और यही वैल्यू होती है जी की। अभी एक न्यूमेरिकल और करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखो ये जो जी है ना वो एफ के बराबर हो गया, और यहीं से हमको जी की यूनिट भी मिल जाएगी। देखो एफ की यूनिट न्यूटन, अरे देखो यहां से क्या कर रहा हूं, इसको भी इधर ले आओ, तो G इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ये यूनिट हो जाती है G की, कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी G की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें पता चली, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ बोलता है कि दो मासेस हो, दो मासेस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स, दूर से ही फोर्स लगा देंगे, दूर से ही फोर्स लगा देंगे, ये कैसे दूर पे, कैसे दूर से फोर्स लगा देंगे, देखो दूर से कैसे फोर्स लगा देंगे, हाँ बात आती है ना, हम लोग को, हमें किसी फोर्स लगा, मैं आपको फोर्स लगाना चाहता हूं, आपके पास जाके आपको धकेलना पड़ेगा छूकर मुझे, ये कैसे लगा रही है, आसपास फील्ड क्रिएट करती है ये, हर मास अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि उसका मास कितना है, इस पर जितना ज्यादा दूर होते जाएगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी, इसी कारण से तो एक मास दूसरे मास पर दूर से ही फोर्स लगा लेता है, क्योंकि दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड भिड़ेंगी और एक प्रकार का फोर्स क्रिएट करेंगी। हवा लगी थोड़ी, चमका, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में यहां पे नहीं बताया आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में और अच्छे से पता चलेगा जब यू when you गो फॉर द अंडर ग्रेजुएट लेवल, द रीजन बिहाइंड द ग्रेविटी, बट एक आइडिया होना चाहिए, है ना, जैसे मैग्नेटिक, मैग्नेट कैसे काम करता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगा देता है दूर से, मैग्नेटिक फील्ड, इन द सेम वे ग्रेविटी भी एक प्रकार की फील्ड बनाती, ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू अप्लाई फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही। बनी बात, आगे बढ़े, देखो बेसिकली आज हमने यही सीखना है, यही देखना है, लैग हो रहा होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं सर, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेनेट आ गया, बिल्कुल वो बात भी बोलूंगा मैं, बताऊंगा ना, आज बताऊंगा। एक बच्ची पूछ रही है, सर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्लेनेट आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्लेनेट, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, मान लो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, अन्यूमेरिकल भी करेंगे, सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, मगर बीच में मून आ गया, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे हम लोग, ये वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छी बात ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या काम कर सकता है, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन याद आ रहा है, दो तीन फोर्सेस एक साथ होते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एडिशन करेंगे हम लोग, देखेंगे उसका, मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मगर उसका क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगा, आई विल शो यू हाउ इट हैपेंस, दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, वेरी इजी। हाँ देखते हैं, समझ में नहीं आया बेटा, सर यदि वो टेम्पररी आए, नहीं समझ में आया मुझे, चलो सो लेट अस सी दिस पीडीएफ, इसमें और थोड़ा गुजरते हैं, क्योंकि इन द एंड यू नीड्स सम काइंड ऑफ नोट्स आल्सो। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, सर इसको याद रखना, ये ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है सर, याद रखेंगे, M1 M2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r,
पहले ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है F12, F1 ड्यू टू 2, इसलिए F12। दूसरे ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है F2 ड्यू टू 1, F21। ठीक, अभी समझ में आएगा आगे कि ये कैसे होगा सर। तो फोर्स जो लग रहा है, वॉट एवर फोर्स दिस इज, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, 1/R स्क्वायर। तो ये हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें से F इज इक्वल टू G इनटू M1 इनटू M2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू G इनटू M1 इनटू M2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें से G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सर। इसकी वैल्यू याद रखना आप लोग, 6.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, पर केजी का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में देख लो, वेक्टर फॉर्म में कोई बड़ी बात नहीं, वेक्टर फॉर्म में ना घबरा जाते हैं बच्चे, कुछ नहीं है। ये फोर्स जो है वो वेक्टर है, मैंने पहले ही इसीलिए लिख दिया था F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। आखिरी में देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो अच्छी बात है वो हमारे लिए। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो चलो इनकी पोजीशन को भी डिफाइन कर देते हैं, पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर। देखो ये r जो डायरेक्शन है, सॉरी डिस्टेंस है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, तो उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लेने वाले हैं। कैसे ले सकते हैं, क्योंकि r हमको सेंटीमीटर मीटर में दिया रहेगा, उसका यूनिट वेक्टर उसमें जोड़ दो तो आपको उसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा, तो पूरा वेक्टर बन जाएगा वो। तो पोजीशन वेक्टर बनाना है हमको। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसके कंपैरिजन में किस पोजीशन पे है, आईजे के फॉर्म में कुछ आ जाएगा। ठीक, ये और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में किस पोजीशन में है, इसीलिए मैंने पोजीशन वेक्टर R12 का कैप और R21 कैप ऐसा ले लिया मैंने, घबराना नहीं। देखो ये यूनिट वेक्टर है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताए गए, ठीक है, आई जे के फॉर्म में कुछ डायरेक्शन बताए गए। इसका एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, यहीं पे आते हैं क्वेश्चन, सर कैसे होगा, एक बार ऊपर वाला डायग्राम दिखाइए। देखो ये वाला डायग्राम, इसी डायग्राम को देखो, ऊपर वाला मत देखो, यही डायग्राम वेक्टर फॉर्म में पढ़ो, वो नाइन्थ वाली बात मत पढ़ो। देखो फोर्स लग रहा है F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, और यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए फर्स्ट, इन पहले फर्स्ट मास के लिए मैंने R12 कैप और दूसरे मास के लिए R21 कैप, इनका पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है पोजीशन का। ठीक, अब देखो फोर्स ऑन, ये तो पहले ही बता दिया, अब देखो 1 2 के बारे में बात करूं, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला तो हमारा सेम होगा, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू उसका यूनिट वेक्टर जोड़ लो, उसमें यूनिट वेक्टर जोड़ लो, R12 कैप। हाँ एक चीज है, यहाँ पे एरो लगाना मत भूलना, मैं भूल गया था। ठीक है, बनेगी बात, कोई बड़ी बात है क्या, बताओ, चमका थोड़ा सा, कोई बड़ी बात, देखो ये जो यही बस जुड़ जाएगा, ये क्यों जुड़ रहा है, अरे डायरेक्शन भी तो बताना है, डायरेक्शन भी बताना है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन बता रहा है डायरेक्शन यहाँ पे फॉर्मूले में, ये बता रहा है सर R12, मतलब कि जो दोनों के बीच के डिस्टेंस का है उसकी तरफ, लाइन जॉइनिंग जो है उसकी तरफ पोजीशन होगा उसके डायरेक्शन का। बोलो बढ़े आगे, कोई बड़ी बात बन जाएगा, समझ में आ रहा है, लग रही है हवा, सब नहीं बता रहे भाई, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यार सो मेनी स्टूडेंट्स एंड नन ऑफ देम इज सेइंग यस और नो। हाँ ठीक है, देखो कोई बड़ी बात नहीं, एक बच्चा पूछ रहा है सर एक्स एक्सिस में ही होगा क्या, अरे डिपेंड करता है उनकी पोजीशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन में रखा है, दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर रखा हुआ है, कहीं भी हो, वी कैन से इट विद द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर R12, एक न्यूमेरिकल करूंगा तभी हवा लगेगी, लग रहा है ना। अरे देखो, सी व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली,
here these two objects are there and their position is being defined with the help of position vector. देखो position vector बताने के लिए हमको एक इस distance के साथ में उसका unit vector भी जोड़ना पड़ेगा. दो object है, 10 centimeter की दूरी पर है, 10 centimeter तो उन दोनों के बीच के gap है, मगर उसका position space में उसका position हमको कहीं दिखाना पड़ेगा. कैसे दिखाएंगे सर, कैसे दिखाएंगे? तो उसके साथ में उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे ij के फॉर्म में. अरे वो 3, 2, 1 ऐसा कुछ आ जाएगा हमको, और उसका ij के क्या होगा, 3i cap 2k ऐसा कुछ आ जाएगा. 2d भी तो होता है क्या सर? तो 2d भी ले लेंगे. मान लो 2d की बात बन रहा है, ij बस आ जाएगा उसमें. अगर ज्यादा डीप जा रहा है अभी, तो अभी के लिए फॉर्मूले को इतना याद रखो, g = f = g (m1)(m2)/r² हल्के से समय के साथ में ये वाली बात भी सिंक हो जाएगी, आपके दिमाग में आएगी. चलो तो उसी ही वैसे ही F21 क्या होगा, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं भाई, g (m1)(m2)/r² मगर इसका पोजीशन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, r21 cap. यहाँ पे r12 cap था, यहाँ r21 cap. देखो r21 cap कैसे था सर, यहाँ पे था r21 cap यहाँ पे था, यहाँ पे था, मतलब लाइन ज्वाइनिंग देम से सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाता हुआ था पोजीशन वेक्टर. होगा क्लियर होगा भाई, फिकर मत करो. न्यूमेरिकल में तो एक न्यूमेरिकल में पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आज उसको नहीं करा रहा हूं, कल कराऊंगा, कल भी आपकी क्लास लूंगा मैं. ठीक, तो इसमें से r12 = -r21 होता है. देखो ये पहले से जानते हैं हम लोग जब डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां से यहां नापेंगे, तो जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट उसको हम लोग माइनस के फॉर्म में डिनोट करते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं. आर टू वन मतलब डिस्टेंस यहां से आप इस पोजीशन में जा रहे हो, उससे अपोजिट चलोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा हमको, वेक्टर क्वांटिटी है भाई. इसीलिए r12 = -r21. तो देखो यहां पे इसको मैं r21 को r12 बना देता हूं, मगर उसको क्या लिख दूंगा, -r12. तो देखो फोर्स f12 = -f21 हो जाएगा. मतलब इससे हमको क्या पता चलता है कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के फोर्स लगा रहा है उसके बराबर है, मगर उसका डायरेक्शन बस अलग है. हवा लगी. इसका मतलब जब आइजैक न्यूटन ने देखा था कि एप्पल जमीन पे गिरा, तो एप्पल अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगा रहा था, उतना ही फोर्स अर्थ एप्पल के ऊपर लगा रहा था. मगर दोनों के फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग था, उल्टा था. एक फोर्स कैसा था, इधर के डायरेक्शन में, और एक का फोर्स इधर के डायरेक्शन में. हवा लगी, कोई बड़ी बात अभी समझ में आ जाएगा ये बात, अभी समझ में आ जाएगा ये बात. अभी देखिएगा कि हम लोग इसके बारे में क्या लिखते हैं. हम लोग लिखते हैं, यस सर, हाँ थोड़ी सी लैग हो रही है क्योंकि बिकॉज समबडी इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. मतलब दो ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने, उसके बीच में आप कोई भी मीडियम रख लो, उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता ये ऑब्जेक्ट, ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट. अब देखो यही वाली बात हो रही है जो अभी मैं बताया था आपको, कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, पहला बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उतना ही दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा. देखो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट. मतलब F12 = -f21. सिंपल सी बात, F12 = -f21. Equal and opposite. और देखो क्या बात बोलता है, they form action and reaction pair. वाह वाह वाह, ये बात भी हो गई. Action and reaction pair भी बन जाता है, मतलब आप किसी object को यूं धकेल रहे हो तो वो भी आपको कुछ ना force लगा रहा है भाई, वो भी force लगा रहा है. एक action reaction हमने पहले ही पढ़ लिया ना, हमने जो जो पहले पढ़ लिया उसको हम लोग साथ में लेते जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं आएगा. एक बच्चा बोला सर मीडियम कोई और आ गया, कुछ बीच में और कोई मीडियम आ गया तो कुछ चेंज होगा, ग्रेविटेशन फील्ड में कोई चेंज ही नहीं होगा.
कोई बात ही नहीं बनेगी उसमें, कोई भी कुछ भी ले आओ बीच में आप, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ मीडियम कुछ ले आओगे तो मीडियम भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, वो बात अलग है। इन दोनों ऑब्जेक्ट की बस बात करूंगा मैं, सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की बात करूंगा, पहला दूसरा, तो उसमें कोई फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। और ये वाली बात, दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब एक एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन ये फोर्स लगा रहा है, एक एक्शन कर रहा है दूसरा उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये बात होती है भाई। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव की जगह कंजर्वेशन लिख दिया मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स। एक किस प्रकार का फोर्स है? कंजर्वेटिव। ये बात आपने कंजर्वेटिव के बारे में अभी वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ चुके हो। एक ऐसा फोर्स जो वर्क डन करे और वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ऑफ कोर्स एफबीडी, देखो बेटा एफबीडी ही बन रही हुई है, ये फ्री बॉडी डायग्राम ही तो है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम ही तो है, मैंने बस एक सर्कल बना दिया यहां पे। इसके कारण इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है? F12। इसके इस पे इसके कारण क्या फोर्स लग रहा है? सेकंड बॉडी पे, फर्स्ट बॉडी के कारण F21। फ्री बॉडी डायग्राम ही है। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझ में आया? कंजर्वेटिव लिखा है भैया, ये गलत है। हाँ कंजर्वेटिव फोर्स है ना, मतलब जो भी फोर्स ये लग रहा है ये कुछ वर्क डन करेगा और वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स। अब आखिरी बात करते हैं, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो बात आप लोगों ने खुद बोली, बिल्कुल फॉर श्योर यस। एक बच्ची बोली कि सर दोनों बॉडी पे फोर्स उतना ही लगेगा। बिल्कुल, इट इज अ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला जो दूसरे के ऊपर लगा रहा है दूसरा भी उसी के ऊपर लगा रहा है। शायद आप शुरू में ज्वाइन नहीं हुए थे, मैंने बताया था कि एप्पल अर्थ के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा रहा था जब वो गिरा जितना अर्थ एप्पल के ऊपर लगा रहा था। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, सर एप्पल क्यों नीचे आया? एप्पल क्यों अर्थ पे आया? अर्थ एप्पल पे गिरा के चिपक क्यों नहीं गया? एनर्शिया किसका ज्यादा होगा? एनर्शिया किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा उसको मूव करना ज्यादा कठिन होगा और एप्पल को मूव करना ज्यादा आसान है। क्यों उसका एनर्शिया कम है, मास कम है? मास डिपेंड्स अपॉन एनर्शिया। किसी भी चीज को मूव करने के लिए उसको एनर्शिया से लड़ना पड़ेगा, है ना, रेजिस्ट करता है वो मोशन को। तो इसीलिए हमारा जो एप्पल था वो मूव होके अर्थ पे आ गया, ठीक। अब देखो आखिरी बात, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी अभी जो बात हुई, अभी क्या बात हुई कि सर एक से ज्यादा मासेस हो तो क्या कर लोगे आप? दो से ज्यादा मासेस हो तो, यहाँ पे दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग चलो यहाँ पे चार मास की बात कर देते, एक क्या, दो क्या, तीन क्या, चार ले लो। चलो यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M3 है और बीच में रखा हुआ बेचारा M4, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि इस M4 पे, मतलब मास 4, चौथा नंबर का जो मास है, उस पे टोटल कितने ग्रेविटेशन फोर्स लग रहे हैं, टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? तो हमको क्या पता चलेगा? यहां से पता चलेगा कि फोर्स ऑन फोर्थ बॉडी या फोर्थ मास। सर फिर मून अपना ऑर्बिट चेंज क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें सन और अर्थ अलग प्लेनेट। कभी बिल्कुल सही, एक से एक, मतलब मींस वो आप लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, दैट आंसर इज विथ यू ओनली, इट इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी वो जिस पोजीशन में है, व्हाट एवर थिंग इज नॉट कोलाइडिंग ड्यू टू दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो बहुत सारी चीजें, अर्थ पे सन का फोर्स है, मून का भी फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, जुपिटर है, सैटर्न है, सारे नेपच्यून है, यूरेनस है, सारे सारे के सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स। अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ को अपना आप व्यू पॉइंट रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स साथ में अर्थ गोल भी घूम रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सारी चीजें, दिस टोटल सम ऑफ द फोर्सेस आर क्रिएटिंग व्हाट? नो अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं दे रही है इसको, और इसी कारण से वो जैसे पोजीशन में वैसे में, वरना जैक कोलाइड हो जाता, सन के साथ मिल जाता। डेट्स व्हाई
अभी देखो इसी में समझ में आ जाएगा कि फोर्स ऑन फोर्थ मास इज इक्वल टू, मतलब एफ फोर इज इक्वल टू क्या करेंगे, एम वन एफ फोर एम फोर में देखो पहला मास चौथे मास पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो देखो एफ फोर वन यानी कि फोर्स ऑन फोर्थ मास ड्यू टू वन, फोर्स ऑन फोर्थ मास ड्यू टू टू, प्लस फोर्थ फोर्स ऑन फोर्थ मास ड्यू टू थ्री। यानी कि क्या करो, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करो, वेक्टर सम करना है ना, ऐसा नहीं कि जोड़ देना बस फोर्स को, वेक्टर सम में क्या ध्यान देना पड़ेगा, उसका पोजीशन यानी कि उसके एंगल एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा। याद आ रहा है एंगल एंगल, इसका ऐसा ऐसा वाला हम लोग देख चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कब, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। तो एक क्वेश्चन कर दूंगा ऐसे वाला, पोजीशन वेक्टर वाला, वेक्टर वाला कर देंगे हम लोग क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। बोलो यहां तक चमका, बोलो यहां तक समझ में आया तो बोलो। अभी बहुत सारे तूफान उठ रहे होंगे सिर में, है नहीं? हाँ, लेमिस थ्योरम भी बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला सर लेमिस थ्योरम से तो हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। लेमिस थ्योरम हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेमिस थ्योरम ना जब भी ऐसे वाले दिखते हैं हमको, थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट इक्विलिब्रियम, तो बढ़िया लगा दो वहां पे, मतलब याद रखना एट इक्विलिब्रियम। बहुत सारे दिमाग में अभी क्वेश्चन उठ रहे होंगे, यस सर कि अर्थ पे इतने सारे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, फिर भी वो जाके कहीं टकराता नहीं, एप्पल की जैसे गिरता नहीं सन में, ऐसा कुछ हो रहा होगा। बट वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे, बिकॉज एवरीथिंग इज एट इक्विलिब्रियम। इफ इट इज एट इक्विलिब्रियम देन नो अनबैलेंस्ड फोर्स विल बी देयर, ऑल द फोर्सेस आर कैंसलिंग ईच अदर। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल। नहीं, ये सब चीज अभी नहीं बताऊंगा। डू यू थिंक एलियन एग्जिस्ट? वी कैन नॉट से एलियंस। What are aliens, first of all, isn't it? Okay.